Hello students, good morning. Today we will going to discuss next topic of chapter gravitation is the difference between the acceleration due to gravity and gravitational constant. तो जैसे कि हमने acceleration due to gravity भी पढ़ा है और gravitational constant भी पढ़ा है, means small g और capital G है उसमें क्या difference है, ये अभी हम discuss करें. तो जैसे कि आपने देखा था कि acceleration due to gravity है वो हमारे पास क्या होती है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको किसी वेलोसिटी के साथ हम ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो अर्थ है वो उसको एक फोर्स के कारण अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं. जबकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हमारे पास एक कांस्टेंट आया था कब, कि वैन जब फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ मास के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था स्केयर ऑफ डिस्टेंस के, और वहां उस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तब हमारे पास क्या आया था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आया था. तो यहाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो एक फोर्स के इक्वल ही है, लेकिन फोर्स के इक्वल कब होगा, जब जैसे कि ये हमने पढ़ा था एफ इजिकल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्केयर पढ़ा था, जब मास है बॉडीज का उसको किलोग्राम में ले लिया जाए, मींस 1 किलोग्राम ले लिया जाए एंड दीज आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, तो ये भी किलोग्राम और सॉरी ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो एफ है वो किसके इक्वल आ जाएगा, जी के इक्वल. मींस क्या कहेंगे, इट इज इक्वल टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मासेज ऑफ 1 किलोग्राम सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. तो जब मास तो कितना हो 1 किलोग्राम एंड सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, देन जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, फोर्स के इक्वल हो जाएगा. जबकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास क्या होती है, इट इज द एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑन इट. क्या अर्थ है, वो एक ग्रेविटेशनल पुल के कारण अपनी तरफ उन बॉडी को अट्रैक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. जब भी आपको डिफरेंस लिखने हो, ये आपको समझाने के लिए लिखा था, ये नहीं लिखना है. जब भी आपको डिफरेंस लिखने हैं तो हमेशा किस में लिखोगे, कॉलम्स में लिखोगे. मीन्स आप इस तरह से जैसे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और सेकंड हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो इनको जो डिफरेंस, इनके बीच में डिफरेंस लिखना है या कोई भी किसी भी क्वांटिटीज है उनका डिफरेंस है तो हमेशा डिफरेंस को किस में लिखोगे, कॉलम्स में लिखोगे. तो एक तरफ तो हमने क्या लिख लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और दूसरी तरफ हमने क्या लिख लिया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो फर्स्ट समझ में आ गया होगा, इट इज द एक्सेलरेशन एक्वायर्ड बाय ए बॉडी ड्यू टू द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल ऑन इट, और ये हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मासेज 1 किलोग्राम सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर. अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू होती है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा था वेरिएशन ऑफ जी, प्रीवियस वीडियो में ही पढ़ा था कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ वो भी वेरी करती रहती है. वेरी करने का मीन्स जैसे इक्वेटर के ऊपर वैल्यू अलग थी, पोल्स के ऊपर वैल्यू अलग थी, ऐसे ही जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाती है. जैसे हम डेप्थ में जाते हैं तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो कम होती जाती है. इट मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो वेरी करती रहती है, जबकि ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है वो सेम होता है एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, और उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कितनी होती है, 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स स्क्वायर. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी मीन्स अर्थ है वो हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है ग्रेविटेशनल पुल के कारण, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी. तो ये अर्थ की तरफ अट्रैक्टेड है ना, इट मीन्स इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन हमारे पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है. ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो आपके पास एक्सेलरेशन है. जबकि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है इसमें हम किसी प्रकार के डायरेक्शन की बातें नहीं करते, और जब किसी प्रकार के डायरेक्शन की बात नहीं करते तो ये कैसी क्वांटिटी है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है. तो ये था हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. तो आपको ये कंप्लीट नोट कर लेना है, समझ आ गया होगा, एक तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और दूसरा हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. समझ आ गया होगा बेटा. अब देखो नेक्स्ट, अभी हमने क्या बताया कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो चेंज होती रहती है सरफेस ऑफ अर्थ पे भी, और जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं तभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होती जाती है, डेप्थ में जाते हैं तभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो कम होती जाती है, ऑन द सेंटर ऑफ अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, 0. तो
फिर नोट में लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या हम क्या लिख देंगे जी, डिक्रीजेज, क्या होती है डिक्रीजेज एज वी गो फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ टू एनी हाइट, या हम ये लिख देंगे डिक्रीजेज विद हाइट, सिंपल सा लिख दो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद हाइट, कि जैसे जैसे हम हाइट पे जाते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो कम होती जाती है। सेकेंड लाइन में लिख दोगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद डेप्थ और एट द सेंटर ऑफ अर्थ, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर जी की वैल्यू है वो कितनी होती है जीरो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है डिक्रीज होती है विद डेप्थ के साथ, और एट द सेंटर ऑफ अर्थ की अगर बात करते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है एट द सेंटर ऑफ अर्थ कितनी वैल्यू होती है हमारे पास है जीरो। तो इट मीन्स जैसे कि अभी हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक वेट के बारे में बात करेंगे, तो वेट है वो हमारे पास एट द सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर बॉडी है वो वेटलेसनेस कंडीशन में आ जाती है। वेटलेसनेस कंडीशन मीन्स एट द सेंटर ऑफ अर्थ वेट ऑफ द बॉडी है वो कितना होता है जीरो। तो अभी हम वो डिस्कस करेंगे, तो ये आप नोट कर लेना, इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या रहेगा, मास एंड ए वेट। तो हम बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, मास के बारे में बात करेंगे। देखो मास हमारे पास क्या होती है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, एक बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी लगी हुई है मैटर की, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, एक बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी लगी हुई है मैटर की उसको हम क्या कहते हैं मास। मीन्स जैसे कि मान लीजिए यही आपके पास, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी लगी हुई है मैटर की, मैटर आप जानते हैं एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। देखो अगेन फिर वही बात आ गई ना, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी उसको हम क्या कहते हैं मास, द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी, कंटेन इन ए बॉडी इज नोन एज ए मास, उसको हम क्या कहते हैं मास कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एम, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं एम से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम यूनिट्स की बात करें, यूनिट्स तो इन एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ मास क्या होती है हमारे पास किलोग्राम, और इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम के अंदर यूनिट ऑफ मास है वो हमारे पास क्या होती है ग्राम, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं किससे के से, जैसे कि यहां पर हम क्या लिख देंगे किलोग्राम, और किससे रिप्रेजेंट कर देंगे केजी से, और सीजीएस सिस्टम में यूनिट ऑफ मास है वो हमारे पास क्या है ग्राम, और किससे रिप्रेजेंट कर देंगे हम जी से, और इट इज मेजर्ड बाई, इट इज मेजर्ड बाई फिजिकल बैलेंस, ये लैब के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा फिजिकल बैलेंस। मास है उसको हम किससे मेजर करते हैं, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं फिजिकल बैलेंस। देखो ये फिजिकल बैलेंस हमारे पास क्या होता है, जनरली जस्ट आपके पास जैसे कि आपने कभी देखा होगा सुनार की दुकान में, सुनार की शॉप पे आप या आगे से निकले होंगे तो आपने देखा होगा एक बैलेंस रखा होता है छोटा सा वुड का, तो वो आपके पास है वो क्या होता है फिजिकल बैलेंस होता है। लैब के अंदर ये आपको दिखा दिया जाएगा कि फिजिकल बैलेंस है वो किस टाइप का होता है, मीन्स किस कैसे शेप का होता है। तो मास हमारे पास क्या होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, एक बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी लगी हुई है मैटर की उसको हम क्या कहते हैं मास। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एम, किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इन एसआई सिस्टम में यूनिट ऑफ मास है वो किलोग्राम है, और इन सीजीएस सिस्टम में हमारे पास क्या है ग्राम। अब हम बात करते हैं किसकी वेट, तो वेट ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ है वो इक्वल होता है, वेट हमारे पास किसके इक्वल होता है एक फोर्स के इक्वल ही होता है
जो कि अर्थ है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। मीन्स वेट ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ इज इक्वल टू द, वेट के बारे में लिखेंगे, वेट ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ इज इक्वल टू द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट, या ये कह देंगे विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ, विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। देखो समझ आ गया होगा, वेट ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ है वो फोर्स के इक्वल होता है, जो फोर्स होता है ना, जैसे कि फोर्स इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा। इट मीन्स वेट ऑफ ए बॉडी ऑन अर्थ इज इक्वल टू द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ क्यों लिया है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी आपको बताया था, जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारे पास वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ है वो इक्वल है फोर्स के विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, उसको हम क्या कहते हैं, वेट। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई डब्ल्यू, किसे रिप्रेजेंट करेंगे, डब्ल्यू से, और जैसे अभी आपको बताया था कि W इज इक्वल टू क्या होता है, mg, तो ये आपको यहां से नोट कर लेना है। अब हम यूनिट्स की बात करते हैं, तो ये यूनिट्स देखो यहीं पर लिख लेते हैं, यूनिट्स इन एसआई सिस्टम के अंदर द यूनिट ऑफ वेट। अब देखो ये आपके पास क्या है, फोर्स ही है ना, और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और ये आपको बताया था अगर साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है यूनिट, तो अगर कंप्लीट लिखोगे तो स्मॉल लेटर से स्टार्ट करोगे, सिंबल दोगे तो कैपिटल एन, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं किलोग्राम, फोर्स भी लिख सकते हैं, मास की किलोग्राम, ग्रेविटेशनल फोर्स है ये आपके पास, ग्रेविटेशनल पुल है, इसलिए इसको क्या लिख दिया, किलोग्राम फोर्स लिख दिया। इन सीजीएस सिस्टम की बात करें, सीजीएस सिस्टम के अंदर, तो सीजीएस सिस्टम के अंदर यूनिट ऑफ वेट इज डाइन, डीवाई एन ई, या क्या कह देंगे, ग्राम फोर्स। इन एसआई सिस्टम के अंदर क्या है आपके पास, न्यूटन, और इन सीजीएस सिस्टम में आपके पास क्या है, डाइन, या हम क्या कह देंगे, ग्राम फोर्स, और इट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट जिसको हम क्या कहते हैं, स्प्रिंग बैलेंस। तो ये भी लिख देंगे, समझ आ गया होगा बेटा, वेट हमारे पास फोर्स ही होता है जिसके कारण कोई भी बॉडी, जैसे किसी चीज का हम वेट करते हैं, तो जैसे आपने देखा होगा स्प्रिंग बैलेंस को, जितने ज्यादा हम हाइट के ऊपर लेके जाते हैं उतना ही बॉडी का वेट है वो कम होता जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट प्लेसेज के ऊपर। जैसे कि हम डिफरेंस की बात करेंगे ना, तो वेट ऑफ बॉडी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेज, जबकि हम मास के बारे में बात करेंगे तो मास ऑफ ए बॉडी इज ए कॉन्स्टेंट क्वांटिटी। समझ आ गया होगा बेटा ये आपको, नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे इट इज मेजर्ड बाई ए स्प्रिंग बैलेंस, इसको हम किससे मेजर करते हैं, स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं, ये आपने सभी ने देख भी रखा होगा, स्प्रिंग बैलेंस है वो किस शेप का होता है, देख रखा है ना सभी ने, इस तरह का एक नीचे हुक होता है, सॉरी किसी भी चीज को ये इस तरह से हुक सा लगा होता है यहाँ पर ऐसे खींचने का, और इसके अंदर ऐसे रीडिंग होती है, तो सभी ने देख रखा होगा। इट इज मेजर बाई ए स्प्रिंग बैलेंस, और जबकि मास को हम मेजर करते हैं किसे, फिजिकल बैलेंस। तो अब अगर मान लीजिए आपने मास भी पढ़ लिया और साथ में वेट भी पढ़ लिया, अब आपको बोला जाता है कि डिफरेंस लिखो, तो अब तो आप डिफरेंस लिख ही सकते हो ना, डिफरेंस में आप क्या क्या लिखोगे, सबसे पहले जब भी डिफरेंस लिखना है तो हमेशा किस में लिखेंगे, कॉलम्स में लिखेंगे, कॉलम्स में कैसे लिखेंगे, एक तरफ मास दूसरी तरफ वेट की बात करेंगे, सबसे पहले इनकी डेफिनेशन, उसके बाद में इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, और ये आपके पास मास नोट कर ही लो, चलो ये भी डिफरेंस बिटवीन मास एंड ए वेट। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या रहेगा, डिफरेंस बिटवीन
मास एंड वेट, मास और वेट में क्या डिफरेंस है। तो देखो जब भी आपको बताया था अभी भी कि जब भी आपको डिफरेंस लिखने हैं तो आप किस में लिखोगे, कॉलम्स में, इधर मास लिख दोगे और इधर आप क्या लिख दोगे, वेट। सबसे पहला डिफरेंस आपको क्या बताया था, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अभी आपको समझा दी थी। ये मास क्या होता है, मास ऑफ ए बॉडी, मास कोई भी बॉडी का क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन ए बॉडी, कंटेन इन ए बॉडी इज नोन एज ए मास, उसको हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। और वेट के बारे में अभी लिखा है था, वही डेफिनेशन लिख दोगे ना यहाँ पर, द वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ इज इक्वल टू द, इट इज इक्वल टू द, ये किसके इक्वल है, इट इज इक्वल टू द फोर्स विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ, इट इज इक्वल टू द फोर्स विद विच द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ, द बॉडी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अर्थ। समझ आ गया होगा बेटा, साइड में क्या लिख देंगे, इट इज ए कॉन्स्टेंट, या हम ये लिख देंगे मास इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, मास इज कॉन्स्टेंट एवरीवेयर, या मास इज ए कॉन्स्टेंट, चलो एवरीवेयर लिख देना। वेट ऑफ बॉडी इज डिफरेंट एट ए डिफरेंट प्लेसेज, वेट ऑफ ए बॉडी इज ए डिफरेंट एट ए डिफरेंट प्लेसेज, क्योंकि अभी आपको बताया था कि वेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो डिफरेंट होती है डिफरेंट प्लेसेज के ऊपर, सो वेट ऑफ बॉडी इज डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेज या डिफरेंट प्लेस्ड या प्लेसेज लिख देना। उसके बाद में क्या लिखोगे, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी होती है ये, स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसमें क्या लिखोगे, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट आपके पास मैं ऊपर वाला रख करती हूँ, ये आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्या लिखोगे, इट इज मेजर्ड बाई, इट इज मेजर्ड बाई फिजिकल बैलेंस, इट इज मेजर्ड बाई फिजिकल बैलेंस, और यहां पर क्या लिखोगे, इट इज मेजर्ड बाई स्प्रिंग बैलेंस, ये किससे मेजर किया जाता है, स्प्रिंग बैलेंस से मेजर किया जाता है। तो आपको समझ आ गया होगा, तो ये थे हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, कि मास और वेट है उसके बीच में क्या डिफरेंस होते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, जो क्वांटिटी, जैसे कि अगर हमने टॉपिक पढ़ लिया है कि मास क्या होता है वेट क्या होता है, तो फिर उनके बीच में आप डिफरेंस लिख ही सकते हो। तो इसको आप अच्छे से समझना, और साथ में पहले देखो वीडियो को एक बार आप पूरा कंप्लीट समझा करो, फिर सेकेंड टाइम समझते हुए लिखा करो नोटबुक में, फिर नोटबुक में आप इसको लिखा करो, तो इसको आप अच्छे से समझना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।